डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मित्रों, मुझे फिर से यहाँ आप सब लोगों के बीच आकर बहुत खुशी हुई है। आप में से कई इस बीच मुझसे भारत में या संसार के किन्हीं अन्य हिस्सों में मिल चुके हैं। आप लोगों को मेरे दिन के कार्यक्रमों के बारे में कुछ वर्णन लिखकर दिया गया है, लेकिन शायद आप सब जो राजनीति में रहने वालों के जीवन से परिचित हैं, जानते हैं कि उनके कोई 2 दिन एक जैसे नहीं हुआ करते हैं। और कोई कितना भी ध्यान करना और दूसरी भिन्न भिन्न चीज करना चाहे, इच्छा मात्र ही रह जाती है, हो नहीं पाती। मैं जब लोगों के बीच रहती हूँ, और खासकर ऐसे दिलचस्प लोगों के बीच जैसे कि आज इस हाल में उपस्थित हैं, तो भी मुझे विश्राम और मनोरंजन प्राप्त होता है। पैराग्राफ चेंज। हमारा समय सीमित है, इस कारण मैं लंबा भाषण नहीं देने वाली हूँ। मैं केवल थोड़े से विषयों का ही वर्णन करूँगी, ताकि आप अपने प्रश्न तैयार कर सके। और हाँ, आपके इन प्रश्नों में वह सब भी सामने आएगा जिसमें आपकी रुचि होगी। ठीक 5 साल पहले मैं यहाँ आई थी, और तब मैंने आपको उन चीजों के बारे में बताया था जो हम भारत में करना चाहते हैं। इस बीच भारत में ही नहीं, संसार के सभी भागों में बहुत कुछ घटा है, लेकिन स्वाभाविक है कि इस समय मुझे अपने देश की ही चिंता है। पैराग्राफ चेंज। सन 1966 में मेरे अपने देश में संसार के समाचार पत्रों में, जिसमें अमेरिका के पत्र भी शामिल थे, हमारी एकता, हमारे लोकतंत्र और हमारे जीवित रहने की दास्ता के बारे में संदेह प्रकट किए गए थे। बस मैं इतना ही कहूंगी कि मैं फिर आज आपके सामने हूँ, लेकिन हम एक अंधकार और कष्ट के दौर से होकर निकले हैं, जो संकट के अभ्यस्त लोगों के लिए भी काफी असाधारण रूप से गंभीर था। अब हम गेहूं, चावल और उन अनाजों के मामले में जो हमारे लोगों की मुख्य खुराक है, आत्मनिर्भर हैं। सिंचाई की सुविधाएं और उर्वरकों के उत्पादन के बढ़ने से अन्य कृषि उपजों की पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम का भी कुछ प्रभाव हुआ है। हमारी पार्टी में परिवर्तन भी शांति से हो गए, जिनसे हमारे राष्ट्रीय जीवन में अधिक गठन और दिशा विवेक आया है। आम चुनाव ने अपनी जनता में हमारे विश्वास को भी सही साबित किया है। समाप्त।